जी हाँ, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस YouTube चैनल वाईफाई ज्ञान में। तो आई दोस्तों, बात करते हैं सुबह सुबह के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत। आज हमारी केंद्र सरकार ने कौन कौन सी आज बड़ी खबरें इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत आज हमारी केंद्र सरकार कौन कौन सी आज बड़ी खबरों को जारी किए हैं। अगर दोस्तों आप भी पबजी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आप सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से आपके पैसे खाली हो सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी केंद्र सरकार ने टिकटॉक को लेकर भी कुछ यहाँ पर अच्छी खबर को जारी किए हैं। अगर दोस्तों आप भी टिकटॉक चलाने के शौकीन थे तो में आप जान लीजिए कि हमारे भारत में फिर से यहाँ पर टिकटॉक को हमारी केंद्र सरकार लॉन्च करने वाली है। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है, अभी हम आपको अपने इस वीडियो में थोड़ी देर बाद बताएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ हमारी यात्री ट्रेन को लेकर भी हमारी केंद्र सरकार ने कुछ यहाँ पर अच्छी भरी राहत को जारी किए हैं। तो आइए आज इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर में से आज हमारी केंद्र सरकार कौन कौन से यहाँ पर सिलेक्टेड और काम की खबरों को जारी किए हैं। अगर दोस्तों आप भी एक भारत के सच्चे नागरिक हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका जो लाइक और शेयर होता है वही हमारी असली मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाने चलता हूं आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि पंजाब में एक और लड़के ने पबजी में खर्च किए 2 लाख रुपए। जी हां, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही हुआ ना कि हमारे पबजी खेलकर हमारे ऐसे बहुत से यहां पर बच्चे हैं जो कि यहां पर 2 लाख से ज्यादा भी आपके पैसे खर्च कर चुके हैं। और दोस्तों इस समय हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि अगर आप ज्यादा पबजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली होने का उम्मीद भी यहाँ पर जताई जा चुकी है। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पंजाब में घटना हो चुकी है कि हमारे पंजाब का एक लड़का था जो कि पबजी का बहुत ही ज्यादा दीवाना था और दोस्तों उसने पबजी खेलकर 2 लाख रुपए तक गंवा दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप जान लीजिए कि अगर आप ज्यादा पबजी का इस्तेमाल करते हैं तो आप पबजी गेम खेलना छोड़ दीजिए, वरना दोस्तों आपका समय तो बर्बाद होगा ही, साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की, क्या है टिकटॉक प्रो ऐप लोगों को मैसेज में मिल रहा है इस ऐप का लिंक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही है ना कि हमारे भारत में टिकटॉक तो बैन हो गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा सुना जा रहा है कि हमारे भारत में टिकटॉक प्रो आ चुका है। और दोस्तों आप टिकटॉक प्रो के जरिए बहुत ही आसान तरीके से आप सेम टू सेम टिकटॉक की तरह वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में टिकटॉक सहित 58 चीनी ऐप्स बैन कर दिए गए हैं। और दोस्तों अब टिकटॉक के विकल्प के तौर पर कई ऐप्स आ चुके हैं में से ज्यादातर ये दावा कर रहे हैं कि ये भारत की ऐप्स ही है। यानी दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारत के सरकार ने हमारे भारत में 59 चीनी ऐप्स को बंद कर दिए हैं जिसमें से आपका टिकटॉक भी शामिल था। लेकिन 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 हमारी केंद्र सरकार ने आज बहुत यहाँ पर बड़ी खुशखबरी को जारी किए हैं। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी टिकटॉक चलाने के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे सेम टू सेम आपके टिकटॉक ऐप की तरह हमारे भारत में टिकटॉक प्रो ऐप आ चुका है। और दोस्तों आप सेम टू सेम टिकटॉक की तरह ही वीडियो बनाकर आप टिकटॉक प्रो पे डाल सकते हैं। और इसी के साथ एक और यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही दोस्तों कि अब टिकटॉक की तरह चिंगारी ऐप पर क्रिएटर्स को मिलेगा कमाई का मौका, अपना म्यूजिक बनाकर कमा सकते हैं पैसा, फेमस कंपोजर्स के साथ होगा रेवेन्यू शेयरिंग। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही हुआ ना कि हमारे चिंगारी ऐप ने अपने क्रिएटर्स को बहुत यहाँ पर बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों अगर आप भी चिंगारी ऐप का प्रयोग करते हैं तो अब से आप टिकटॉक की तरह सेम टू सेम वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे चीनी ऐप टिकटॉक के बैन होने के बाद देसी ऐप चिंगारी भारत के स्मार्टफोन में अपनी जगह बना रहा है और दोस्तों साथ ही अपने फीचर्स को लगातार अपडेट भी कर रहा है। तो वैसे दोस्तों आप जान लीजिए कि हमारे टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म चिंगारी ऐप भी सभी यहाँ पर क्रिएटर्स को मौका दे रही है। तो वैसे दोस्तों अगर आप भी चिंगारी ऐप का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे चिंगारी ऐप भी आपकी कमाई का मौका दे रही है। और दोस्तों आप सेम टू सेम टिकटॉक की तरह ही चिंगारी ऐप पर वीडियो डाल करके पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको बता दें कि हमारे भारत की सरकार ने हमारे भारत में 2 यहाँ पर ऐप को लॉन्च कर दिया है। पहला आपका ऐप है चिंगारी और दूसरा आपका ऐप है टिकटॉक प्रो। और दोस्तों आप इन दोनों ऐप्स में से किसी भी ऐप्स को डाउनलोड करके आप बहुत यहाँ पर आसान तरीके से वीडियो डाल करके पैसा कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की, SBI के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, ATM से कैश निकालने का नया नियम बदला, पड़े ये जरूरी खबर वरना आगे आपको पछताना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही हुआ ना कि हमारे सभी ATM के खाताधारकों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने बहुत यहाँ पर बड़ी चेतावनी को जारी की है। दोस्तों अगर आप भी ATM का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे भारतीय स्टेट बैंक ने सभी यहाँ पर ATM को बहुत यहाँ पर बड़ी चेतावनी को जारी की है। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने ATM से पैसे निकालने के नियम में बदलाव किया है। और दोस्तों अगर आपको इस नए नियम की जानकारी नहीं है तो आप पैसे निकालने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। तो आखिरकार इसके बारे में हमारे SBI ने कौन सी यहाँ पर चेतावनी जारी की है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि SBI ने ट्वीट करके अपने सभी खाताधारकों को चेतावनी जारी की है कि अगर आप बैंक से नहीं बल्कि यहाँ पर ATM से कैश निकालते हैं तो अपने धोखाधड़ी से आप सतर्क रहिएगा। दोस्तों अपने पिन को बार बार आप चेंज करते
करते रहेगा, वरना दोस्तों आपका जो भी यहाँ पर पिन है वो आपका पिन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों जैसे ही आप अपने एटीएम से पैसे निकालने जाएंगे तो आपके एटीएम से पैसा नहीं निकलेगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका एटीएम भी ब्लॉक हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी ज्यादा एटीएम से कैश निकालते हैं तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारा एटीएम पुरान हो चुका है तो उसका एटीएम पिन जल्दी आप बदल लीजिए, वरना दोस्तों आगे चल के आपको बहुत सारे यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों अगर आपको एटीएम से कैश निकालते समय कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप सिर्फ और सिर्फ गार्ड से ही हेल्प ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी अनजान आदमी से हेल्प लेंगे तो आगे आप उसकी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। और दोस्तों इसको लेकर हमारे भारतीय स्टेट बैंक यानी दोस्तों भारत के सबसे बड़े बैंक SBI ने आपको अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की। भारतीय रेलवे की जल्द ही दिल्ली से और स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना, 40 नई ट्रेनों की चलने की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे भारत के सरकार ने बहुत ही यहाँ पर बड़ी खुशखबरी को जारी की है कि दोस्तों अगर आप भी रेल यात्री का सफर करते हैं तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे रेल विभाग की तरफ से बहुत ही यहाँ पर बड़ी खबर को जारी किया गया है। और दोस्तों आपको जल्द ही नई 40 ट्रेन आपको पटरी पर देखने को मिलेगी। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय रेलवे जल्द ही और ज्यादा स्पेशल ट्रेनों को चलाने की योजना बना रहा है। और दोस्तों जानकारी के मुताबिक दिल्ली से अन्य शहरों के लिए 40 आपकी नई ट्रेनें चलाई जाएगी। और दोस्तों इसके साथ ही हमारे भारतीय रेलवे ने इस तरह का एक प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय को भेज दिया है। यानी दोस्तों आपको बता दें कि हमारे रेल विभाग की तरफ से बहुत ही यहाँ पर बड़े बयान को जारी कर दिया गया है। और दोस्तों आपके पूरे भारत में लगभग दोस्तों आपके 40 नई ट्रेन चलने वाली है। और दोस्तों इसके साथ ही आपको कई स्पेशल ट्रेन भी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों इन सभी ट्रेनों को चलने के लिए हमारे रेल विभाग ने गृह मंत्रालय को पत्र भेज चुका है। तो देखते हैं कि आखिरकार आपकी कब से ये ट्रेन चलती है। अगर दोस्तों इसकी तरफ से कोई भी खबर आ जाएगी तो मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर जरूर आपको जाहिर कर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट की। आसान है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना, जाने क्या है पूरा प्रोसेस। जी हाँ दरअसल दोस्तों बात कुछ ही है ना कि हमारी UDI की ऑफिशियल की वेबसाइट के अनुसार आप घर बैठे बैठे अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आखिरकार इसका पूरा प्रोसेस क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आधार कार्ड आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। चाहे टैक्स जमा करने से लेकर चाहे नई कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन हो, सारे जगह पर आपका आधार कार्ड लग रहा है। तो इन सभी को देखते हुए हमारे भारत के सरकार ने UDI की ऑफिशियल वेबसाइट को बहुत यहाँ पर जेन्युइन बना दिया है। और दोस्तों आप घर बैठे बैठे अपने आधार में अपना मोबाइल नंबर खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। तो वैसे में कैसे अपने मोबाइल को आधार नंबर से अपडेट करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे में अगर किसी का मोबाइल नंबर बदल जाए तो आधार कार्ड में आपको अपडेट करना बहुत ही यहाँ पर आसान हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, और दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर भी है तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे आधार कार्ड में जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर है, अगर दोस्तों आप उस नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो आप UDI की ऑफिशियल वेबसाइट UDI.gov.in पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी को हमारी UDI की ऑफिशियल वेबसाइट ने जारी किया है कि ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो ऐसे में दोस्तों आप जान लीजिए कि आप घर बैठे बैठे बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल तरीके से अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों बस आपको इसके लिए UDI की ऑफिशियल साइट को ओपन करना होगा। और दोस्तों वहाँ पर आपको मुख्य पृष्ठ मिल जाएगा जहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको आधार अपडेट का ऑप्शन मिलेगा और आपको आधार अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आधार कार्ड में अपडेट करना रहेगा वो आप बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल से अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही कुछ जानकारी थी, यही कुछ अपडेट्स जो कि आज 9 जुलाई 2020 दिन बृहस्पतिवार के दिन से यही कुछ हमारे केंद्र सरकार ने और सभी राज्यों की सरकार ने यही कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरों को जारी किया था जिसके बारे में आपको जानना और सुनना बेहद ही ज्यादा जरूरी था। अगर दोस्तों आपके मन में इस खबर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।